वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस इंग्लिश सेशन में। बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपको ऐसे लिखने के लिए आता है, एनी ग्रेट लीडर। तो बच्चों, हम इस बात पे भी डिस्कस करेंगे कि ग्रेट लीडर पे जो ऐसे लिखा जाता है उसके क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या क्या बातें उसमें ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या जानकारियां उसमें रहनी चाहिए, शामिल रहनी चाहिए, और इस ऐसे को हम किस प्रकार बड़े आसानी से लिख सकते हैं जिससे हमें याद रखना भी आसान है हो और उसको समझना भी आसान हो। तो सबसे पहले बच्चों, हम ये देखते हैं कि ऐसे क्या है। वॉट इज एन ऐसे? एन ऐसे इज अ पीस ऑफ राइटिंग यूजली फ्रॉम एन राइटर्स पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। अर्थात निबंध एक लेख है जो किसी विषय विशेष पर एक लेखक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से लिखा जाता है। बच्चों, एक चीज ध्यान रखें, प्रैक्टिस है कि किसी चीज पर ऐसे आपको याद करना है तो आपने गाइड उठाई या कोई उठाया और आपने ऐसे लिख लिया, लेकिन ऐसे दरअसल आपका खुद का क्या जानकारी है, उसकी क्या नॉलेज है उस विषय में, जिस टॉपिक पर भी ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है, आप उस पर क्या समझते हैं, क्या आपने उसको देखा है, क्या उसको सुना है, क्या समझा है उसको लेकर, क्या पढ़ा है, आपकी क्लास में क्या बताया गया है, तो वो आपके उसमें व्यक्तिगत जो दृष्टिकोण है, मतलब व्हाट पर्सनल व्यूज यू आर हैविंग अबाउट दैट टॉपिक, वो आप एक क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, तो दैट इज एन ऐसे। आज हम जो ग्रेट लीडर पर ऐसे लिखेंगे, आप देखें बच्चों ये कितना आसान है और ये कितने आसानी से लिखा जा सकता है, और जिसमें आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने इसको समझ लिया, वो जानकारी हासिल कर ली, तो आपके मन से कभी भी जब आपसे लिखवाया जाए आप बड़े आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे के ऐसे हैं जो उसके आधारभूत जो बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। लैंग्वेज शुड बी ईजी, जो हम निबंध लिखते हैं उसकी भाषा हमेशा सरल होनी चाहिए। बहुत कठिन भाषा में लिखा गया ऐसे ऐसा जरूर आवश्यक नहीं है कि आपको अच्छे नंबर दिलाए। भाषा उसकी सरल होनी चाहिए जो आसानी से समझ आ सके। दूसरे, सेंटेंसेस शुड बी सिंपल एंड शॉर्ट, जो उसके वाक्य हैं वो साधारण वाक्य होने चाहिए और संक्षिप्त होने चाहिए। बहुत लंबे लंबे वाक्य ऐसे में शामिल नहीं किए जाने चाहिए। उसके बाद बेटर शुड बी फोकस ऑन द टॉपिक, मतलब जो विवरण आपने दिया है, जो ऐसे का मैटर है, ऐसे का विवरण है, वो शीर्षक पर ही केंद्रित होना चाहिए। मतलब जिस शीर्षक पे आप ऐसे लिख रहे हैं उसी का उसी से लगा हुआ होना चाहिए, उसी को एक्सप्लेन करते हुए, उसी को डिस्क्राइब करते हुए विवरण होना चाहिए। उसके बाद प्रेजेंटेशन शुड बी इन सीक्वेंस। बच्चों, कई बार हमने देखा है कि जो बच्चे ऐसे लिखते हैं उसका प्रस्तुतिकरण क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, मतलब उसमें एक निरंतरता नहीं है। जैसे आपने किसी महान नेता पे ऐसे लिखा, तो कई बार क्या होता है, जो विवरण होता है उसमें डेथ का पहले लिख देते हैं, जन्म का बाद में लिख देते हैं, कि डेथ की डेट पहले आ गई और जन्म की डेट बाद में आ गई, ये गलत है। कई बार ऐसा होता है कि उनकी जो उपलब्धियां हैं या उन्होंने जो महान कार्य किए हैं उसको पहले लिख देते हैं और उनकी जो शिक्षा प्राप्त करी है उसको बाद में लिखते हैं। तो ये सिलसिलेवार होना चाहिए, यानी क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, सही क्रम अनुसार उसका विभाजन किया जाना चाहिए और होना चाहिए। तो बच्चों, ये सभी जितने भी ऐसे हम लिखते हैं उसकी ये चार बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब आइए हम पर्टिकुलरली डिस्कस करते हैं पॉइंट ग्रेट लीडर। जब हम किसी महान व्यक्ति पर ऐसे लिखते हैं तो उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो सम्मिलित रहनी चाहिए। जैसे ऐसे लिखते हैं वंडर ऑफ साइंस का आपको ध्यान है, पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं, उसके बाद उसने साइंस ने क्या तरक्की की, कब कब क्या किया, उसके बाद उपसंहार आता है, ऐसे जो पॉइंट्स आते हैं। आप देखें अ ग्रेट लीडर पे क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए और किस क्रम में होनी चाहिए, और ये चीज अगर आप नोट कर लेंगे तो किसी भी से ऐसे लिख पाएंगे। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन, यानी एक संक्षिप्त परिचय उसमें होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो पैराग्राफ है वो बर्थ एंड अर्ली लाइफ, यानी
उसका जो नेता है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं उनका जन्म और प्रारंभिक जीवन क्या रहा उस पर आधारित होना चाहिए। उसके बाद उनकी एजुकेशन, एजुकेशन यानी उनकी शिक्षा कहाँ हुई, कैसी हुई, ठीक है। फिर पैराग्राफ होना चाहिए उनके स्पेशल एक्टिविटीज पर। अब बच्चों वो नेता हैं, उन्होंने कोई नाम कमाया है तो कुछ विशेष कार्य तो स्वाभाविक रूप से किए होंगे, तो वो स्वाभाविक जो स्पेशल एक्टिविटीज हैं जो उनके विशेष कार्य हैं उसका उल्लेख होना चाहिए, विशेष गतिविधियां। उसके बाद पांचवा पॉइंट आता है उनकी अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स यानी बच्चों उपलब्धियां कि उनकी जीवन में उपलब्धियां क्या रही, किस स्थान तक उन्होंने अपने आप को पहुंचाया, ये आना चाहिए। और सबसे अंत में आता है बच्चों कंक्लूजन यानी समापन या जिसको आप उपसंहार भी कहते हैं। तो बच्चों ये जो छह पॉइंट्स हैं ये आप चाहे तो नोट कर लें, ये किसी भी नेता के ऊपर जब हम ऐसे लिखते हैं तो उसको में ये छह पॉइंट्स, ये जो छह बिंदु हैं इनके ऊपर जानकारी होनी चाहिए। और बच्चों एक चीज, ये जो आपको छह बिंदु दिए हैं इनमें बहुत बड़े बड़े या बहुत सारे वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है, तीन से चार छोटे वाक्य इन बिंदुओं को समझाते हुए अगर आप लिख लेंगे तो आपका एक बहुत सुंदर ऐसे तैयार हो जाएगा। और ये अपने मन से आप लिख सकते हैं किसी भी नेता पे जिसको आप जानते हैं, जिसके बारे में आपने सुना है, जिसके बारे में आपने पढ़ा है। आप अपनी टेक्स्ट बुक्स उठा के देख लीजिए, हिंदी की चाहे अंग्रेजी की, कई नेताओं के बारे में उसमें दिया हुआ है, कस्तूरबा के बारे में दिया है, रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में दिया हुआ है, तो कई नेताओं के बारे में उनमें दिया हुआ है, गांधी जी के बारे में दिया हुआ है। तो आप इन बिंदुओं के आधार पे अपने आप एक ऐसे तैयार कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने ये पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, अगर आपने ये पॉइंट्स नोट कर लिए हैं तो हाथ उठा के मुझे संकेत दें। ओके वेरी गुड। अच्छा बच्चों अब हम सुभाष चंद्र बोस पे एक निबंध लिखेंगे। बच्चों ये निबंध जो लिखा है किस प्रकार लिखा है मैं आपको इसकी एक रूपरेखा बता दूं, जानकारी बता दूं। सुभाष चंद्र बोस पे मुझे एक निबंध तैयार करना था क्लास, तो मैं अपनी क्लास के बच्चों को बारी बारी से उनसे पूछा कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन क्या जानता है। जिसको जो जानकारी थी उसने हाथ उठा उठा के बताया। अब जाहिर बात है क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी में हमें ज्यादा अच्छे से हम अपने बात को बता सकते हैं। मैंने उनका हिंदी में ही उनके वाक्यों को नोट कर लिया, छोटे छोटे वाक्य जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते थे, और वो वाक्य जिस बिंदु के अंतर्गत आते थे उस बिंदु के अंतर्गत मैं नोट करता गया। और फिर वो छोटे छोटे वाक्य थे जो उन्होंने जोड़े, उन्होंने अपनी तरफ से लिखे, उसका हमने बड़े अच्छे से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। तो आप देखें बच्चों किस आसानी से दोनों भाषा में, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, सुभाष चंद्र बोस पर हमारा ऐसे तैयार हो गया। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी आपके सामने, किस तरह से हमने उस ऐसे को तैयार किया, कौन कौन से बिंदु सामने रखे गए, ये हम आपके सामने रखेंगे। अच्छा बच्चों मैं एक बात और आप कि समय चूंकि कम है इसलिए जो अगल बगल बच्चे बैठे हुए हैं वो आपस में डिसाइड कर लें, एक बच्चा हिंदी वाले पॉइंट्स नोट करता जाए और एक बच्चा अंग्रेजी वाले पॉइंट्स नोट करता जाए, तो उसमें क्या है आपको समय कम लगेगा और हम अपनी पूरी बात जो यहाँ पर है ज्यादा ज्यादा बात उसको नोट कर पाएंगे। तो अभी आप डिसाइड कर लें, अभी क्लास में बैठे हुए हैं आप लोग डिसाइड कर लें कि आपके जो साथी बैठे हुए हैं कौन साथी हिंदी में नोट करेगा और कौन साथी अंग्रेजी वाले पॉइंट नोट करेगा, और उसके बाद हम पॉइंट वाइज उनको पैराग्राफ बनाते जाएंगे तो आपके दोनों ऐसे तैयार हो, बाद में आप एक दूसरे से एक्सचेंज कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करें, हाथ उठा दें बच्चों अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं। ओके नाउ स्टार्ट। तो जय बच्चों से मैंने क्लास में चर्चा करी तो किस हिसाब से सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी सामने आई। अब हमारा पहला पैराग्राफ तैयार हो रहा है बच्चों, इंट्रोडक्शन वाला परिचय। तो सबसे पहले एक सुभाष चंद्र बोस एक महान और निर्भीक नेता थे, तो उसका हमने अंग्रेजी बनाया क्या है, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट एंड ब्रेव लीडर ऑफ द कंट्री। तो बच्चों जैसे ये दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं तो मेरा आपसे फिर रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट यू कि एक बच्चा हिंदी वाले नोट करता जाए और एक बच्चा अंग्रेजी वाले नोट करता जाए, तो जल्दी जल्दी आप ये कर पाएंगे। फिर दूसरा बच्चा बोला कि सर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था मैं तुम्हें आजादी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बच्चों आपको भी याद आया कहा था ना सुभाष चंद्र बोस ने, और इन चमत्कारी शब्दों ने पूरे देश में जोश भर दिया था।
ठीक है ना। तो ये दूसरा पॉइंट हमारे क्लास में सामने आया था, तो उसकी अंग्रेजी क्या हो गई, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, दीज मैजिक वर्ड्स ऑफ बोस हैज स्टर्ड द कंट्री, सारे देश में जोश भर दिया था इन शब्दों ने। तो बच्चों ये जानकारी देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं, तो ये धीरे धीरे ये हमने इसको ऐसे के रूप में इस्तेमाल किया। बच्चों मुझे लगता है आपने ये नोट कर लिए होंगे, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, दीज मैजिक वर्ड्स ऑफ बोस हैड स्टर्ड द कंट्री। अब बच्चों अगर आप कुछ नोट नहीं कर पाते तो अपने टीचर से पूछकर और अपने मन से भी आप इसमें जोड़ घटा सकते हैं। फिर उन्होंने आया था समस्त युवा पीढ़ी भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार थी। मतलब जब सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया, ये बात कही, तो हमारी जितनी भी उस समय की युवा पीढ़ी थी सब जोश से भर गई और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में वो भारत की स्वतंत्रता का संग्राम करने के लिए तैयार हो गई। तो इसका अंग्रेजी हमने क्या बनाया, होल यूथ वॉज रेडी टू फॉलो हिज लीडरशिप टू मेक इंडिया फ्री। होल मतलब संपूर्ण, युवा पीढ़ी, होल यूथ वॉज रेडी टू फॉलो हिज लीडरशिप टू मेक इंडिया फ्री। फिर अगली बात क्या सामने आई, एक ने बताया कि सर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहते थे, उनको नेताजी हमने माना, क्यों माना, क्योंकि उनका जो समर्पित और संकल्पित जीवन था उस कारण वो नेताजी के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनको नेतृत्व करने की उनकी क्षमता उनके समर्पित और संकल्पित जीवन के कारण थी। तो उसको हम अंग्रेजी में लिखा कि ही बिकेम फेमस एज नेताजी बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेटेड एंड डिटरमिंड लाइफ, डिटरमिंड यानी संकल्पित। बच्चों पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, संकल्प की ताकत, ये लेसन हमने पढ़ा है ना, तो डिटर्मिनेशन यानी संकल्प और डिटर्मिंड यानी संकल्पित। तो बच्चों देखिए पहला पैराग्राफ कितना अच्छा तैयार हो गया, कितनी आसानी से तैयार हो गया। तो प्रारंभिक परिचय के रूप में ये चार वाक्य हमने मिले और हमारा पहला पैराग्राफ तैयार हो गया, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। तो बच्चों दूसरा पैराग्राफ हमें किस बिंदु के अंतर्गत तैयार करना था, बर्थ एंड अर्ली लाइफ, जन्म और प्रारंभिक जीवन, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत हमको क्या पता चला जब हमने क्लास में चर्चा करी कि उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक के एक रईस परिवार में हुआ था। मतलब he was born on 23rd of January in 1897 in a rich family in Katak। बच्चों आप देख रहे हैं हमने ये ऐसे तैयार करने के लिए भी कि ना किसी गाइड का सहारा लिया, ना किसी किताब का सहारा लिया, क्लास में ही चर्चा करी और आप लोग बहुत होशियार हैं, आप लोगों को बहुत जानकारी है और हमारे विद्यार्थियों को जो वो जो एक एक करके उन्होंने सामने रखी उसके आधार पर हमारा ऐसे तैयार हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बताया, उनके पिता श्री जानकीनाथ एक सफल वकील थे, उनके जो पिता थे उनका नाम था श्री जानकीनाथ बोस और वो एक सफल वकील थे यानी एक कामयाब वकील थे, एक बड़े वकील थे। तो उसका हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, हिज फादर जानकीनाथ बोस वाज अ सक्सेसफुल बैरिस्टर। बच्चों वकील को लॉयर भी कहते हैं, बैरिस्टर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हिज फादर जानकीनाथ बोस वाज अ सक्सेसफुल बैरिस्टर। बच्चों जो आपके स्क्रीन है उस पर ये क्लियरली दिखाई दे रही है स्लाइड्स, हाथ उठा के मुझे बताएं आप क्लियरली देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ओके ओके गुड। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर उनकी माता जी के नाम बारे में हमको जानकारी मिली, उनकी माता श्रीमती प्रभावती देवी एक घरेलू धार्मिक महिला थी। उनकी माता श्रीमती प्रभावती देवी एक घरेलू धार्मिक महिला थी। हिज मदर प्रभावती देवी वाज अ पायस लेडी, पायस मतलब धार्मिक। उसके बाद बचपन से ही वे बहुत
बहादुर और हुनार थे, बच्चों बचपन से ही वो बहुत बहादुर और हुनार थे, है ना। तो उसके लिए हम लिखेंगे He was very brave and brilliant from his childhood. He was very brave and brilliant from his childhood. उसके बाद शारीरिक रूप से भी वे बहुत सुदृढ़ थे, सुदृढ़ यानी मजबूत, ताकतवर। शारीरिक रूप से भी वे बहुत सुदृढ़ थे, तो उसका ट्रांसलेशन हुआ He was physically strong too. T-O-O-2, टू यानी भी। तो बच्चों ये जो सेकंड पॉइंट था उसके अंतर्गत हमें ये जानकारियां मिली कि हिज मदर प्रभावती देवी वॉज अ पायस लेडी, ही वॉज वेरी ब्रेव एंड ब्रिलियंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, ही वॉज फिजिकली स्ट्रांग टू। तो हमें ये पांच वाक्य मिले सेकंड पॉइंट के अंतर्गत। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट एजुकेशन या शिक्षा। अब एजुकेशन और शिक्षा के विषय में उनके क्या जानकारी मिली है सुभाष चंद्र बोस के विषय में देखते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक में ही पूर्ण की, जहां वो पैदा हुए थे कटक में। तो हिज इनिशियल स्कूलिंग फ्रॉम कटक, कटक में ही वो स्कूल गए जहां पर उन्होंने स्कूल की जो एजुकेशन थी वो कटक में ही पूर्ण करी। उसके बाद हमें जानकारी मिली सन 1918 में उन्होंने बीए की डिग्री प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, यानी इन 1918 ही पास्ड हिज बीए डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता विद फर्स्ट डिवीजन। बच्चों हमने पहले ही पढ़ा है ना कि बचपन से ही होनहार थे वो, तो उन्होंने बीए की डिग्री जो हासिल करी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, वो फर्स्ट डिवीजन में उन्होंने हासिल करी। उसके बाद सन 1919 में वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एंड गए, यानी इन 1919 ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन, यानी आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड गए। तो बच्चों ये एजुकेशन के संबंध में हमें जानकारी मिली जिसमें हमने अलग अलग छोटे छोटे वाक्यों में लिख लिया। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, हम अपना चौथा पॉइंट देखें। चौथा पॉइंट था स्पेशल एक्टिविटीज, विशेष गतिविधियां। उनकी विशेष गतिविधियां क्या रही उनके जीवन काल में, सुभाष चंद्र बोस की विशेष कार्य क्या, उसके विषय में हमें क्या जानकारी मिली। बच्चों आपको मालूम है बोस अंग्रेज सरकार में आईसीएस अफसर चुने गए थे, जैसे अभी आईएएस आईपीएस होते हैं ना। तो जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तो आईसीएस का भी एग्जाम होता था और बोस उसमें चुने गए थे, मतलब आईसीएस अफसर बहुत बड़ा माना जाता था और उसका बहुत रुतबा था। तो ही बिकेम आईसीएस ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन उनका इरादा तो दूसरा था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने उस उच्च पद को त्याग दिया था, मतलब चूंकि उनको भारत की आजादी बहुत प्रिय थी, उसकी बहुत ललक थी, उनको बहुत इच्छा थी, तो उन्होंने अंग्रेजों के उस बड़े पद को भी त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्योंकि उन्होंने उनको भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होना था, यानी बट ही लेफ्ट हिज हाई पोस्ट एंड ज्वाइंड द फ्रीडम मूवमेंट। ही लेफ्ट हिज हाई पोस्ट, अपने उच्च पद को त्याग दिया एंड ज्वाइंड द फ्रीडम मूवमेंट और स्वतंत्रता आंदोलन में। ये सुभाष चंद्र बोस की जो विशेष गतिविधियां थी उसकी हमें ये जानकारी, दो वाक्य ये मिले जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये लिख लिए होंगे आपने। आइए आगे देखते हैं आगे हमें क्या जानकारी मिली।
आगे हमें जानकारी मिली, उन्होंने स्वराज समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने प्रारंभ कर दिए। बच्चों, आप अखबार पढ़ते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि लोग अपने लेख लिखते हैं आज के कामकाज के बारे में, सरकार के कामकाज के बारे में अपने व्यूज लिखते हैं। तो उन्होंने स्वराज समाचार पत्र के माध्यम से अपने जो विचार है वो प्रकट करने शुरू कर दिए। ही स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज थ्रू अ न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। अंग्रेजों की जो जातियां होती थी, अंग्रेज हम पे जो जुल्म करते थे, हमारे पर जो बंदिशें लगा रखी थी, उसके विरोध में या अपने उनके वो उन्होंने प्रकट करने शुरू कर दिए स्वराज समाचार पत्र के माध्यम से। उसके बाद अपने राष्ट्रवादी विचारधारा एवं कार्यकलापों के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जो उनके राष्ट्रवादी विचार थे, कार्यकलाप थे, उसके कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज तो पसंद नहीं करते थे कोई देशभक्ति के काम करे या देशभक्ति के विचार रखे, तो अंग्रेज उसे पसंद नहीं करते थे, उन्हें जेल में डालते थे। ही वेंट टू जेल सेवरल टाइम्स फॉर हिज नेशनलिस्टिक थॉट्स एंड एक्टिविटीज। उन्हें अपने राष्ट्रवादी विचारधारा एवं कार्यकलापों के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। राष्ट्रवादी, नेशनलिस्टिक थॉट्स, विचारधारा, एक्टिविटीज, कार्यकलाप, तो ये उनके विशेष कार्य जो उन्होंने अपने जीवन में स्वराज का संघर्ष, आजादी के संघर्ष में किए। बच्चों, ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे, अगले पॉइंट्स हम देखते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है बच्चों? अचीवमेंट्स, उपलब्धियां। जब उनके ये कार्य रहे देश की आजादी के लिए, उन्होंने जो अपना जीवन लगाया, तो उनकी उपलब्धियां क्या रही, क्या क्या उनके अचीवमेंट्स रहे? बच्चों, वे नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य नियुक्त किए गए थे तथा सन 1930 में कलकत्ता के मेयर भी बनाए गए। He became principal of National College and of Calcutta in 1930. National College एक बहुत ही प्रसिद्ध और जाना माना कॉलेज है कलकत्ता का, जिसके वो प्रिंसिपल बनाए गए। और जैसे भोपाल मेयर होते हैं ना, भोपाल के महापौर इस समय आलोक शर्मा जी हैं, वैसे 1930 में कलकत्ता के महापौर आए थे सुभाष चंद्र बोस। He became principal of National College and mayor of Calcutta in 1930. तो एक तो उपलब्धि ये रही है। दूसरे, सन 1939 में बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। He was elected as president of Congress in 1939. कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना बहुत आसान नहीं था, हर किसी को नहीं बनाया जाता था, जिसका बहुत महान कार्य होता था, महान समर्पण होता था, तो उनको ही कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में चुना जाता था। तो बोस को ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1939। ये इनके अचीवमेंट्स हैं। बच्चों, आगे देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना। बच्चों, गांधी जी का तो अहिंसावादी था, लेकिन उनका कहना था, बोस का कहना था कि अंग्रेज हम पे इतने जुल्म कर रहे हैं, हम इनके विरुद्ध सशस्त्र क्रांति, यानी हम हथियारों के साथ इनके साथ युद्ध करेंगे। ही चोज द वे ऑफ एन आर्म्ड रिवोल्ट टू गेट इंडिपेंडेंस, यानी शस्त्रों के साथ, हथियारों के साथ हम अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे, तो ये रास्ता उन्होंने चुना। और उसके लिए बच्चों, आप सब जानते होंगे, समझ गए होंगे, अंग्रेज सरकार से मुकाबला करने के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज खड़ी करी। आजाद हिंद फौज, सब जानते होंगे, अंग्रेज आजाद हिंद फौज नाम से बहुत घबराते थे। ही रेज्ड इंडियन नेशनल आर्मी टू फाइट द ब्रिटिश रूल। ये उनकी उपलब्धियां रही। इंडियन नेशनल आर्मी ने बहुत नाम कमाया और बहुत ऐसे शामिल हुए जो देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए सहर्ष तैयार रहते थे। और जो उन्होंने पहले हम लिखा ना कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा,
वो यही था, आर्मी उनको बनानी थी और उन्होंने आर्मी के जो जवान थे जो उसमें शामिल हुए थे उसे कहा था कि तुम अपनी जान पर खेल लोगे तो अंग्रेज भगेंगे और हमें आजादी मिलेगी। तो बच्चों ये उनकी बड़ी उपलब्धियां थी। अब आगे हम देखते हैं कंक्लूजन, समापन। इसके अंतर्गत देखिए हमारे सामने कौन से बिंदु आए, कौन से हमारी बातें आई। अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए उन्होंने घर और आराम हमेशा के लिए त्याग दिया था। He had left his home and comfort forever for the freedom of his motherland। बच्चों हमने शुरू में देखा था कि एक बहुत रईस परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी बहुत सफल बैरिस्टर थे, वकील थे, तो उनका काफी नाम था, तो उस घर में तो काफी आराम रहा होगा जब इतने रईस परिवार में थे। लेकिन देश आजादी के लिए उन्होंने अपना घर और अपना आराम बिल्कुल त्याग दिया था। एमपीएस कसरावत खरगोन, बच्चों अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो कृपया अपने ध्यान लगाएं, जो आपको समझाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है उसमें ध्यान लगाएं। एमपीएस कसरावत आपके कस्टोडियन टीचर हैं तो उनको बुला के लाएं, जो भी क्लास का मॉनिटर है। तो ये बात लिखी कंक्लूजन पॉइंट के अंतर्गत। दूसरी पॉइंट थी स्वतंत्रता के संघर्ष में बोस ना तो कभी थके और ना ही कभी निराश हुए। ये भी उनकी एक बहुत ही नेवर गॉट टायर्ड एंड होपलेस इन हिज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। क्योंकि जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, तो आसान काम नहीं था अंग्रेजों से मुकाबला करना। बच्चों ये तो आपने सुना ही होगा। तो वो कभी ना तो निराश हुए और ना कभी थके, सतत पूरे जोश के साथ भारत की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए अपना संघर्षरत रहे, अपना संघर्ष उन्होंने जारी रखा। बच्चों ये आपने दो बातें लिख ली होंगी, आगे देखते हैं। हर भारत की जुबान पर चढ़ा नारा जय हिंद इसी महान नेता की देन है। बच्चों ये आपको पता था क्या, द स्लोगन जय हिंद विच इज ऑन द लिप्स ऑफ एवरी इंडियन इज ऑल्सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस ग्रेट लीडर। जो हम जय हिंद का नारा लगाते हैं ना, आप झंडा वंदन होता है हम रोज राष्ट्र उसके बाद जय हिंद का नारा लगाते हैं, आपने जगह जगह सुना होगा जय हिंद के नारे लगना। तो ये किस नेता ने इसकी शुरुआत की थी, किस नेता ने हमें दिया था? जी हाँ बच्चों, ये सुभाष चंद्र बोस ने ही इस नारे को जन्म दिया था, इस नारे को याद हमें। और देखते हैं स्वतंत्रता, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बोस का महान योगदान चिरस्मरणीय रहेगा। यानी His great contribution in freedom struggle is unforgettable। उनके भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान था उसको कभी भूला नहीं जा सकता। तो बच्चों ये हमने जो चार बातें लिखी, ये हमारा जो उपसंहार वाला पॉइंट है, कंक्लूजन वाला पॉइंट है, उसके अंतर्गत ये चार बातें आ गई। तो बच्चों देखें कितनी आसानी से हमने सुभाष चंद्र बोस जो कि हमारे रहे हैं उन पर एक निबंध तैयार कर लिया और दोनों भाषाओं में ही आपका निबंध तैयार हो गया, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो बच्चों जिस नेता पे भी आपको अपना निबंध लिखना है, आप उसके पॉइंट्स, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, आपने क्या सुना है पढ़ा है, आप छोटे बिंदु लिख लें, फिर जो चार हमने आपको पॉइंट्स दिए हैं उसके क्रम के अंतर्गत सेट कर लें। फिर अगर आपको उसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने में दिक्कत हो रही है, अपने टीचर से आके पूछें, अपने साथियों से पूछें, अपने घर में अपने बड़े भाई बहन है उनसे पूछें, इस तरह से आपका ऐसे तैयार हो जाता है। हाँ ये देखें कि जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं, अब आपको जब जोड़ के लिखेंगे तो पहला पैराग्राफ देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गया। जो हमने अलग अलग छोटे छोटे सेंटेंस लिखे थे तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत अब पूरा का पूरा पैराग्राफ आपके सामने है। ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे, तो जब इनको आप मिला के लिखेंगे तो ये आपका इंट्रोडक्शन के अंतर्गत पैरा तैयार हो गया। मैं आप एक बार पढ़ता हूँ। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट एंड ब्रेव लीडर ऑफ द कंट्री।
Give me blood and I will give you freedom. These magic words of Bose had stirred the country. Whole youth was ready to follow his leadership to make India free. He became famous as Netaji because of his dedicated and determined life. बच्चों ये पैराग्राफ वही बिंदु को जोड़ के लिखा गया है जो बातें हमने छोटे छोटे वाक्य लिखे हैं. अगला देखते हैं. Birth and early life. He was born on 23rd of January in 1897 in a rich family in Cuttack. His father was Janakinath Bose, who was a successful barrister. His mother, Prabhavati Devi, was a pious lady. He was very brave and brilliant from his childhood. He was physically strong too. आगे देखते हैं. Education के संबंध में हमने जो points लिखे हैं उनको मिला के लिख दिया. He completed his initial schooling from Cuttack. In 1918, he passed his BA degree from University of Calcutta with first division. In 1919, he went to England for higher education. Fourth point, special activities. He became ICS officer in the British government, but he left his high post and joined the freedom movement. He started expressing his views through a newspaper called Swaraj. He went to jail several times for his nationalistic thoughts and activities. Pajwa, he became principal of National College and mayor of Calcutta in 1930. He was elected as president of Congress in 1939. He chose way of armed revolt to get independence. He raised Indian National Army to fight the British rule. He had left his home and comfort forever for the freedom of his motherland. He never got tired and hopeless in the struggle for freedom. The slogan Jai Hind, which is on the lips of every Indian, is also the contribution of this great leader. His great contribution in freedom struggle is unforgettable. So, bachcho, ye dekhiye, humne aapas mein charcha karke Subhash Chandra Bose par kitna sundar nibandh taiyar kar liya. ऐसे आप भी क्लास में जानकारी जो आपके साथियों को है उनसे चर्चा करके क्लास में आप निबंध तैयार कर सकते हैं. और जिस प्रकार हमने अंग्रेजी वाले जो वाक्य हैं उनको जोड़ जोड़ कर बिंदुवार हमने ये निबंध तैयार कर लिया, ऐसे हिंदी के जो पॉइंट्स हैं आप इसी प्रकार अलग अलग पॉइंट्स के अनुसार जोड़कर आप हिंदी का निबंध तैयार कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? बच्चों हाथ उठाए, क्या आपको ये चीज, ये निबंध लिखना तरीका अच्छा लगा तो हाथ उठाएं. वेरी गुड, वेरी गुड. और बच्चों एक नेता जी हैं या शास्त्री जी हैं ऐसी चर्चा करके, हाँ बच्चों मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जिस जोश के साथ हाथ उठाया, तो आप ऐसे निबंध तैयार कर सकते हैं. और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है इन पॉइंट्स जो हमने अभी आपको एनी ग्रेट लीडर पे चर्चा करी, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं. कोई बच्चा कोई पूछना चाह रहा है अपना माइक ऑन करें, पूछ सकते हैं. आपको ये निबंध लिखने का तरीका सबको पसंद आया, सबको समझ में आया? वेरी गुड. अच्छा बच्चों, तो समय समाप्ति का इशारा हो रहा है, मतलब कि आप इसी प्रकार अन्य लीडर्स पे भी ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे. और आप सभी को से मैं विदा लेता हूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. नमस्ते.